हेलो एवरीवन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ मैंने ये वीडियो बहुत लेट अपलोड की है। एक्चुअली मेरी इन दिनों सेशनल एग्जाम्स चल रही थी, इसी कारण मैंने वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पाई। सो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और चलिए बिना रुके इसका पार्ट शुरू करती हूँ। कुछ समय बाद इबो और ध्यानसिया घर पहुँचे। इबो सोफे पर लेट गया क्योंकि वो बहुत थक गया था और उसका फोन बस उठा। जुआन ने पूछा, इबो क्या जान घर वापस आया? इबो ने पूछा, नहीं क्यों? जुआन ने चिंतित रूप से कहा, इबो वो हमारे साथ था लेकिन अचानक वो गायब हो गया। हम उसे फोन करने या ढूंढने में सक्षम नहीं थे। इबो ने सकते हुए कहा। क्या? ध्यानसिया ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? इबो ने चिंतित होकर कहा, गए वो गायब नहीं हो सकते। इबो बुदबुदाया, मुझे क्या करना चाहिए? अगर वो गया तो वो मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाता। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, इबो ने कहा, क्या यो गए है? मुझे जाना चाहिए और चेक करना चाहिए। ऐसे कहकर इबो दरवाजे पर पहुंचे। इबो ने दरवाजा खोला तो किसी ने उसे पकड़ लिया और एक कपड़े से उसकी नाक ढक ली और उसे ले गया। ध्यानसिया दरवाजे की ओर भागी। जब उसने देखा कि कुछ लोग इबो को कार के अंदर डाल रहे हैं और वो वहां से चले गए। ध्यानसिया ने कहा, यहां कुछ ठीक नहीं है। ऐसे कहकर वो जुआन को कॉल किया और जुआन से कहा, क्या आप किसी कार को ट्रैक कर सकते हैं? इसका नंबर मैं आपको मैसेज में भेज दूंगी। जुआन ने पूछा, क्या हुआ ध्यानसिया? ध्यानसिया ने कहा, किसी ने मॉम को किडनैप किया, मुझे उसे ढूंढना होगा लेकिन पहले मेरे लिए ये काम कर दो। जुआन ने कहा, ठीक है तुम चिंता मत करो। कुछ मिनट बाद जुआन ने कॉल करके ध्यानसिया से कहा, भान हमारे जो कॉर्पोरेशन की मेन बिल्डिंग के सामने देखी गई। ध्यानसिया ने कहा, ठीक है जुआन मुझे वहाँ मिलो, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। इबो की बाइक की चाबियाँ पकड़ ली और बाइक को बिल्डिंग की ओर ले गया। इस दौरान जान ने होश में आते हुए अपनी आंखें खुली और अपने हाथों को बंधे हुए पाया जब वो अपने ऑफिस में जमीन पर लेटा हुआ था। जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी दृष्टि बहुत धुंधली थी और वहाँ एक आदमी खड़ा पाया। जान चिल्लाया, तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया? उस आदमी ने जो जान से पूछा, ओ देखिए जो कॉर्पोरेशन के ओनर मिस्टर जियो जाग गए, क्या मुझे आपके लिए कॉफी या जूस के लिए किसी को लाने के लिए कहना चाहिए? सियो जान ने गुस्से से कहा, चुप रहो। आदमी ने कहा, इस व्यक्ति का इतना एटीट्यूड है, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जान चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम कमीने हो? यह सुनकर उस आदमी ने सियो जान को उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। आदमी ने कहा, अपना मुंह बंद करो मिस्टर जियो, मैं आपके ऑर्डर को सुनने वाला आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ। वो आदमी झुक गया और शोजान के गालों को पकड़ लिया और अपना चेहरा बाएं और दाएं घुमाया। आदमी ने कहा, कोई डाउट नहीं है तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो लेकिन मुझे तुम्हारे ये चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम बहुत घटिया आदमी हो। शोजान चिल्लाया, अपनी बकवास बंद कर दो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो। उस आदमी ने इशारा करते हुए कहा, जल्दी क्या है, मैं सब कुछ बता दूंगा और पहले किसी से मिलो जो सच में तुम्हारे करीब हो। ऐसे कहने के बाद दरवाजा खुल गया। दो आदमी एक लड़के के साथ कमरे के अंदर आए और उसे एक खम्भे से बांध दिया। जब वो वापस गए तो जान ने उस लड़के की ओर आंसू भरी आंखों से देखा। जान ने कहा, इबो। ऐसे कहकर उसके आंखों से आंसू सलक पड़े। आदमी ने कहा, इन आंसुओं को बाद के लिए बसा लो। उस आदमी को ऑर्डर दिया कि उसे जगाओ। उसके आदमियों ने पानी से भरा एक जग इबो के चेहरे पर फेंक दिया।
शोजान चिल्लाया, ऐसा क्यों कर रहे हो, उसे छोड़ दो। उस आदमी ने शोजान को कुरे मारते हुए कहा, ओ क्या तुम भी यही चाहते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अलग है। शोजान डर से खड़ा उठा। इबो ने अपनी आंखें खोली और उसने अपनी आंखों के सामने पहली बार देखा कि शोजान को कुरे लग रहे थे। गे गे, इबो ने उसकी ओर डरते हुए कहा, लेकिन उसके हाथ और पैर बंधे थे। शोजान ने इबो की ओर देखा जो अपनी भारी भरी आंखों से उसे लगातार पुकार रहा था, उसे देखते हुए रो रहा था। वो हल्के से मुस्कुराया क्योंकि इबो का चेहरा उस सुबहने वाले डॉट को भूल गया जो वो कोहरे से महसूस कर रहा था। शोजान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और इबो को ना रोने का इशारा किया। इबो बंधी हुई रस्सियों से बाहर निकलने के लिए कांप रहा था ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गई। वो आदमी इबो के पास पहुंचा और कहा, वांग इबो कैसे हो? इबो सिलाया अपना गंदा मुंह बनकर, मेरे गेगे को अकेला छोड़ दो। आदमी ने आलसी होकर कहा, सिलाना बंद करो, मैं सिर्फ तुम्हारा मुंह काटना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जान ने कर्कश स्वर में कहा, तुम हमसे क्या चाहते हो? आदमी ने कहा, हाँ यह एक अच्छा सवाल है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो आदमी फिर से एक संकेत दिया, तभी एक महिला अंदर आई। उस आदमी ने वांग इबो से पूछा, वांग इबो क्या तुम उन दोनों को जानते हो? इबो ने हैरान चेहरे के साथ कहा, सिन एरी। उस आदमी ने कहा, अच्छा तो तुम अब भी उसे याद करते हो? सुजियान ने कहा, मैं उसका भाई सिन सुजियान हूँ, मुझे शोजान जरूर जानता होगा। जान ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम वही हो जो मेरे चारों ओर अफवाहें फैलाते थे। सुजियान ने कहा, अफवाहें नहीं, जब वास्तविकता थी। मुझे आशा है कि तुम दोनों को याद होगा कि उसने 9 साल पहले तुम्हें प्रपोज दिया था। मैं वहाँ था, मैं सब कुछ देख रहा था। तुमने मेरी छोटी बहन का अपमान कैसे किया? मैं बहुत गुस्से में था। मेरी बहन बातें समझने में भोली थी, लेकिन वो बुरी तरह आहत थी। वो देर रात तक रोती रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने अपना पहला प्यार खो दिया। सुजिन ने फिर से दांत पीसते हुए कहा, मैंने सोचा था कि एक बार वो तुम्हारे बारे में भूल जाएगी, मैं उसे रोने के लिए अपना बदला लूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसने तुम्हारा पीछा करना बंद नहीं किया। उस दिन तक उसे पता चला कि इस सबसे ज़्यादा कुछ और ही इंटरेस्टिंग बात चल रहा है, कि तुम दोनों भाइयों का आपस में अफेयर चल रहा है। ऐसे कहकर वो इबो की ओर बढ़ गया। सुजिन सिलाया, उसके इबो को देखो, क्या वो सुंदर नहीं है? या उसके पास एक संपूर्ण शरीर नहीं है? तो तुमने अपने भाई में उससे प्यार करने के लिए क्या बकवास देखा? इबो ने उसे कंफ्यूज चेहरे से देखा। फिर सुजिन ने कहा, तुम्हें पता है, सब कुछ जानने के बाद भी उसे उम्मीद थी कि वो इबो को मना लेगी। एक दिन तक वो रोती हुई मेरे पास आई। डांस कंपटीशन का दिन, जैसा कि उसने सुना कि तुम करा रहे हो, और उस दिन मैं अपना आपा खो बैठा। तुम्हारे सुखी फैमिली को देखकर थक गया था। मैं अपनी बहन को रोते हुए और उन लोगों को कैसे देख सकता हूँ जिन्होंने उसे रोते हुए खुशी से आनंद लिया। इसीलिए मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारने की योजना बनाई। ये सुनकर इबो और जान ने गुस्से में उसकी ओर देखा। सुजिन ने कहा, मैंने इसे बनाया, पुलिस ने सोचा कि यह एक एक्सीडेंट थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा करके मैंने वास्तव में तुम दोनों के रिश्ते के लिए रास्ता साफ कर दिया। तुम दोनों को
मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मैंने सोचा था कि तुम दोनों की जिंदगी भी खत्म कर दो, लेकिन मेरी बहन की वजह से मुझे सब कुछ रोकना पड़ा। 3 दिनों के बाद आखिरकार जब हम उसके कमरे में घुसे तो वो बेहोश पड़ी थी। उसे हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने बताया कि उसे मानसिक आघात है। वो लगभग 2 साल से हॉस्पिटल में भर्ती थी और हमें उसे किसी भी कीमत पर खुश रखने की जरूरत थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो बस इतना करती थी कि हर समय इबो की तस्वीरें देखते हुए, उसे हर जगह लेते हुए दिन रात इबो का नाम गुनगुनाती थी। उसने खाना भी खाना बंद कर दी क्योंकि इबो उसे खाना नहीं दे रहा था। मैं तंग आ गया था। मैं उसे इस तरह पीड़ित नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुम दोनों से बदला लेने के बारे में सोचा। मैंने तुम दोनों के बारे में बहुत कुछ पता लगाया और मुझे पता चला कि तुम दोनों सगे भाई नहीं हो। उसके बाद मुझे ली जुन के बारे में पता चला, जो मेरे लिए एक अच्छा बात है। तुमने सोचा नहीं होगा मैंने तुम्हें अपने ही ऑफिस में अपहरण कर लिया है। क्या यह मजेदार नहीं है? और तुम्हारे ऑफिस में बम मैंने कहने से लगाया गया था क्योंकि मुझे सिर्फ दीदी के लिए इबो को चाहिए। पहले मुझे तुम्हें हटाना होगा, तो मैंने तुम्हें अपहरण करने और तुम्हें मारने के बारे में सोचा। लेकिन फिर इबो को अपने गेगे के बारे में कैसे पता चलेगा? और फिर वो मेरी बहन को शिकार नहीं कर पाएगा। यही सोचकर मैं उसे भी यहाँ लेकर आया और अब वो अपने गेगे की मौत को अपने सामने देख पाएगा। इबो सिलाया नहीं, जाने कहाँ तुम अपनी बहन को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती क्यों नहीं करते? तुम भी उसके पागलपन में शामिल हो रहे हो। सुजी ने कहा, मेरी बहन पागल नहीं है, तुम अपनी बकवास बात बंद करो। सुजी ने गुस्से में कहा और शोजान के पेट पर लाठ मारी जिससे उसके मुंह से खून निकल गया। जान ने कहा, सुजीन तुम एक बेवकूफ भाई हो। यह सुनकर उसने फिर से लाठ मारी और एडी ने ताली बजाना शुरू कर दिया। सुजीन ने पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद है दीदी? एडी ने कहा, हाँ जी मुझे वाकई यह पसंद है। उसे लाठ मारो और मारते रहो। इबो रोया, रुको रुको प्लीज ऐसा मत करो। एडी ने इबो के चेहरे को सहलाते हुए कहा, इबो तुम रो क्यों रहे हो? वो बुरे आदमी है, उसे पनिश करना होगा। इबो एडी से दूर होने की कोशिश करते हैं। इबो ने रोते हुए कहा, प्लीज उसे मारना बंद कर दो। एडी ने फिर से कहा, इबो तुम रो रहे हो, मुझे तुम्हें किस करने दो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसे कहकर वो इबो को सुनने के लिए आगे बढ़ा और उसने अपना चेहरा फेर लिया। एडी ने रोते हुए कहा, भाई वो मुझे सुनने नहीं दे रहा है। सुजीन ने शोजान को फिर से लाठ मारी और शोजान डर से कड़ा उठा। इबो सिलाया, प्लीज इसे रोक दो। उसने शोजान को फिर से पीटते हुए देखा। सुजीन ने कहा, तो उसे तुम्हें किस करने दो। इबो ने शोजान को अपनी मन के आंखों से देखा और अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर दिया। जान ने कहा, इबो रुको। जब एरी उसे किस करने के लिए इबो की ओर आगे बढ़ा, जबकि इबो अपनी आंखों को करीब से दबा रहा था क्योंकि वो उसे देखना नहीं चाहता था, तभी वहां दियानजिया आकर पहुंचा। दियानजिया सिलाया, मेरी मम को छोड़ दो। जान और इबो ने हैरान चेहरे के साथ दियानजिया के ओर देखा। सुजीन ने पूछा, मम तुम कौन हो ललके, और तुम्हारा मम कौन है, तुम कहाँ से आए हो? तभी एरी करा उठी और सुजीन की ओर मुड़ते ही जमीन पर गिर पड़ी। सुजीन अपनी दीदी के पास डरते हुए पहुंचा। सुजीन ने अपने आदमियों के ऊपर चिल्लाया, तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो, उस लड़के को पकड़ो। दियानजिया भाग रहे थे जब पहरेदार उसका पीछा कर रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ कंजों पर कदम रखा और वहां फैले किलो पर गिर पड़े। 2 और पहरेदार उसके पीछे दौड़े, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे को पार किया तो एक बड़ी बाल्टी उनके ऊपर गिर गई।
जिससे वो सभी छिप छिपे हो गए और देखने में और शमत हो गए। डो और गार्ड उसके पीछे दौड़े। ध्यान जा मुस्कुराया। वो एक कमरे के अंदर भागा और गार्ड ने उसका पीछा किया, लेकिन ध्यान सिया चुप साफ वहाँ से निकली और दरवाजा बंद कर दिया और कमरे के एक बटन को धक्का दिया और चला गया। और वहाँ एक संकेत था, दरवाजे के ऊपर कोल्ड स्टोरेज लिखा हुआ है। इस दौरान चूजी ने कहा, ये लड़का कहाँ से आया? हमारी योजना के अनुसार तुम्हारे परिवार में तुम दोनों के सिवा कोई और नहीं था और तुम्हारे मूर्ख दास यहाँ नहीं आ सकते। कैसे हो गया? वो यहाँ कैसे आ पाया? ये सुनकर शोजान मुस्कुराया। चूजी ने कहा, एरी जागो। तभी ध्यान दिया शोजान और इबो के पास पहुंचा और उसका हाथ खोल दिया। सुजिन अपने दीदी को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और उतने में वो तीनों दीवार की ओर गया और एक सीक्रेट पासकोड पेट खुला। उसने कुछ बटनों को धक्का दिया और दीवार विभिन्न प्रकार की बंदूक को पकड़ करते हुए दाईं ओर खिसक गई। डेथ मॉम ध्यान जा ने कहा और उन पर बंदूक फेंकी, क्योंकि कोई गार्ड कमरे के अंदर आ गए और जान और इबो पर फायरिंग शुरू कर दी। जान और इबो खम्भों के पीछे छिप गए और वापस फायरिंग शुरू कर दी। अचानक जान ने देखा कि सुजिन अपनी बंदूक लेने की कोशिश कर रहा था और इबो को निशाना बना रहा था। जान ने इबो को चिल्लाया और इबो को दूर ढकेल दिया और सुजिन के हाथ पर गोली चला दी और बंदूक उसके हाथों से नीचे गिर गई। जान ने इबो को गले लगाते हुए कहा, इबो आर यू ओके? इबो ने कहा, हाँ गेगे। उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि सभी आदमी पहले से ही जमीन पर थे। जान ने इबो को देखा और उसे गहराई से सुमा, क्योंकि वो इतने लंबे समय से इसके लिए तरस रहा था। वो एक दूसरे को किस करने में इस कदम डूबे हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई उन्हें घूर रहा है। अरे बुदबुदाया, नहीं, यह संभव नहीं है। इबो, उसे किस मत करो, तुम सिर्फ मेरे हो। उसने चारों ओर देखा और सुजिन की बंदूक उठाई और उसे जान पर निशाना बनाया। अपनी उंगली से ट्रिगर दबाते ही उसके हाथ कांप रहे थे। सुजिन चिल्लाया, नहीं एरी। एरी ने कहा, तुम्हें मेरा इबो बनना है। जान और इबो ने एरी की ओर देखा जो अपनी बंदूक की ओर इशारा कर रही थी और फिर उन्होंने एक दूसरे को किसी भी घाव की जांच करते हुए देखा, क्योंकि उनकी नजर सुजिन पर पड़ी जो उनकी बाई ओर जमीन पर गिर रही थी। एरी ने गलती से अपने भाई को गोली मार दी। एरी रोते हुए कहा, नहीं, मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ? उठो प्लीज, तुम जग जाओ। ऐसे कहकर वो सुजिन को जगाने की कोशिश कर रही थी। एरी ने जोर से रोते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। इबो ने कहा, एरी अपने आप को कंट्रोल करो। एरी ने खड़े होते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह मेरी गलती है, मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूंगा, देखो मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूंगा। ऐसे कहकर बंदूक उठाई और अपने सिर में खुद को गोली मार ली। जान और इबो यह देखकर चिल्लाया, क्योंकि उसका शरीर जमीन पर गिर गया था। जान ने इधर उधर देखते हुए पूछा, ध्यान जा कहाँ है? ध्यान जा ने एक कमरे से बाहर आते हुए कहा, मॉम डैड मैं यहाँ हूँ। अचानक उन्हें सायरन की आवाज सुनाई दी। ध्यान जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है जुआन अपना काम कर लिया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने पूछा, मिस्टर जियो क्या तुम ठीक हो? जान ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस इस गड़बड़ी का ख्याल रखना। इंस्पेक्टर ने कहा, चिंता मत करो मिस्टर जान, हम सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले को बाहर लीक ना करे। फिर जान, इबो और डियांसिया एक साथ वहां से चले गए। जुआन गेट पर उनका इंतजार कर रहा था। जुआन ने पूछा, चलो मैं तुम दोनों को हॉस्पिटल ले चलता हूँ। इबो ने सीख दी और जान ने हल्के से चुटकी ली। इबो ने नाराज होकर पूछा, क्या? जान ने कहा, तुम अब भी वही हो।
थोड़ा भीगने से सीख आने लगते हैं। इबो ने उदास होकर कहा, लेकिन अब मॉम यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए नहीं है। जान ने कहा, चिंता मत करो इबो, जहाँ भी है वो खुश होगी। आखिरकार मैं तुम्हारे साथ हूँ, और साथ ही ध्यानजा भी। ध्यानजा ने हंसते हुए कहा, हाँ मॉम मैं भी। इबो ने शर्मिंदगी से लाल होते हुए कहा, रुको और बस करो। तो गाइस मैं आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। मेरी एक्सप्लेन सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस आप लोगों के प्यार मुझ तक पहुँचाने के लिए मेरी वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना थॉट जरूर बताइए। सो आज के लिए बाय बाय।